चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर इंदौर से। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कल इंदौर का दौरा है, कल कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कल इंदौर का दौरा है, कल इंदौर के दौरे पर रहेंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और साथ में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नितिन गडकरी कल इंदौर दौरे पर रहेंगे और इस कार्यक्रम में उनके साथ शामिल रहेंगे, कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे नितिन गडकरी। तो इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कल इंदौर का दौरा, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। चलो इसी के साथ रुक करते एक और बड़ी खबर रायपुर से। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल का दुर्ग जिले का दौरा, नंदिनी और अहिवारा को सीएम सौगात देंगे, 9 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले को 2 नई सौगात देने वाले हैं, नंदिनी और अहिवारा को सीएम सौगात देंगे, 9 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की आज सौगात दी जाएगी। तो सीएम भूपेश बघेल आज 9 करोड़ से ज्यादा विकास कार्यों की सौगात देंगे। आज दुर्ग जिले के दौरे पर नंदिनी और अहिवारा को सीएम आज सौगात देंगे। सीएम भूपेश बघेल का दुर्ग जिले का दौरा, नंदिनी और अहिवारा को सीएम आज सौगात देंगे, 9 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात आज दी जाएगी। तो सीएम भूपेश बघेल आज 9 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात दुर्ग जिले को देंगे, नंदिनी और अहिवारा को सीएम आज सौगात देंगे। इसी पे और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट हेड नितिन चौबे हमारे साथ जुड़ गए। नितिन जी, आज सीएम भूपेश बघेल का दुर्ग दौरा, क्या कुछ खास है इस दौरे में? देखिए, आज मुख्यमंत्री अपने गृह जिले में दुर्ग जिले के दौरे पर हैं और 9 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। खास करके जब आपको बताना चाहेंगे, 11:30 पे मुख्यमंत्री रायपुर से प्रस्थान करेंगे हेलीकॉप्टर के द्वारा। वहाँ 12 बजे पहुंचकर वरण वृक्षारोपण कार्यक्रम में नंदिनी में कार्यक्रम में लेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि नंदिनी माइंस के पास स्थित जगह को, एक लंबे क्षेत्रफल की जगह को मुख्यमंत्री ने मानव निर्मित वन निर्माण का जिम्मा लिया है और उन्होंने इसी के तहत इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं। वहाँ मानव निर्मित वन का निर्माण कार्य किया जाएगा, जो कि करीब करीब 25,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, माफ कीजिएगा 2500 हेक्टेयर में फैला हुआ है। उसके बाद आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री 12:45 पर अहिवारा के लिए प्रस्थान करेंगे। वहाँ अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बानबरज में पहुंचकर शासकीय महाविद्यालय में जो 4.60 करोड़ की लागत से नया भवन बना है, नवनिर्मित भवन, उसका लोकार्पण का कार्यक्रम लेंगे और करीब करीब 1:50 बजे करीब करीब वो 1.5 करोड़ के और भी नवीन निर्माणाधीन कार्यों का उद्घाटन करते हुए वापस रायपुर की ओर 2:40 को रवाना होंगे। इस उपलक्ष्य में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल सहित कई विशिष्ट अतिथिगण भी वहां पर उपस्थित रहेंगे। बहुत शुक्रिया नितिन जी पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि दुर्ग जिले को आज कई सौगातें दी जाएंगी। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, कई विकास कार्यों की आज सौगात मिलेगी, 9 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की आज सौगात नंदिनी और अहिवारा को दी जाएगी।
वो चुनाव फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीएनए न्यूज़। नमस्कार।